नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। मधुबनी रेलवे स्टेशन का नाम सबसे गंदे रेलवे स्टेशनों में कभी आता था, जी हां, लेकिन लोक कलाकारों ने इसको पूरी तरह चमका दिया और खूबसूरत मिथिला पेंटिंग से सजा दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मधुबनी रेलवे स्टेशन आज भी साफ सफाई और खूबसूरती के मामले में देश भर में दूसरे स्थान पर काबिज है। बिहार का मधुबनी रेलवे स्टेशन पिछले 1.5 साल से सुर्खियों में बना हुआ है। अभी हाल ही में मधुबनी रेलवे स्टेशन की साफ सफाई और सजावट पर आधारित कई अवार्ड हासिल कर चुके हैं। वही इसमें मधुबनी पेंटिंग का खूबसूरत गैलरी भी देखने के लिए काबिले तारीफ है। आज भी मधुबनी स्टेशन पर सफाई का आधुनिक व्यवस्था से किया जाता है, साथ ही गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति को 500 रुपए दंड भी दिया जाता है, जिसका ही फल है कि मधुबनी स्टेशन आज भी पुरस्कार प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान हासिल करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही मधुबनी स्टेशन की कायाकल्प बदल कर रख दी गई है। इस स्टेशन में पेंटिंग की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। वही दीवारों से लेकर सीढ़ियों तक में पेंटिंग की गई है, जो काफी खूबसूरत नजर आ रही है। फाइन है 500 रुपए का, गंदगी फैलाने पर में 500 रुपए का फाइन है। क्या नाम है सर? भवेश कुमार झा। यहाँ स्वच्छता बनाने के लिए यहाँ मैकेनाइज क्लीनिंग होता है, मशीन के द्वारा यहाँ साफ सफाई होता है और मैनुअल भी होता है, दोनों करते हैं। देखिए, मधुबनी पेंटिंग की चर्चा तो पूरे विश्व में है, लेकिन मधुबनी स्टेशन पर जो जिस तरह से पेंटिंग की बनावट की गई, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुआ मधुबनी स्टेशन का। तो मुझे लगता है कि यहाँ के नागरिकों को इन सब चीज़ों का और ज़्यादा बेहतर ढंग से ध्यान रखना चाहिए, तब जा कर के आने वाले दिनों में मधुबनी और मधुबनी के स्टेशन की चर्चा और दूर दूर तक होगी। कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मधुबनी के मेन द्वार पे, जो स्टेशन के मेन द्वार पे उर्दू में लिखा गया मधुबनी है, उसमें कुछ टेक्निकल कमी है, उसको हम चाहेंगे स्टेशन के जो मास्टर साहब हैं वो इसको दूर करें, तो ये हमारी एक डिमांड होगी। साफ सफाई अभी भी, साफ सफाई को लेकर के हम जब भी आए हैं यहाँ मधुबनी स्टेशन पर, तो यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और हमको लगता है कि अगर इसी तरीके का रहा तो और स्टेशनों के भांति ये स्टेशन बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है यहाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम परवेज हसन दानिश है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मधुबनी से। ऐसे ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।